All right. Yes. So yeah, weather is like pleasant. It's sort of cold. It's like 10 degrees. Or I mean, मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैंने तुरंत ये pullover निकाल लिया. और अभी यहाँ पे Mercedes-Benz Stadium है भाई. ये देखो, Mercedes-Benz Stadium. तो देखते हैं अभी. पहले तो अपना तो प्रायोरिटी यही है कि GWCC में जाए, जॉर्जिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड कांग्रेस सेंटर. तो अंदर आ गए, पैच वगैरह ले लिया, बढ़िया सा पैच है. और लैनियर्ड भी, लैनियर्ड सेक्सी है, लैनियर्ड सही में सेक्सी है. तो यस, ये फाइल है, इसमें सब रेज्यूमे वगैरह. और ये बैग कॉम्प्लीमेंट्री मिली है. तो अभी बिल्डिंग भी में मोस्टली अपना इंजीनियरिंग वगैरह का होने वाला है. इतने सारे भाई. ओह माय गॉड भाई, लेजेंड है भाई. वो देख उधर, उधर ऑटोमेशन देख. अबे रोबोट्स इधर है भाई, इधर है. हाँ देख. राइट, एक्सपो से बाहर निकल गए. पूरा दिन चल चल के पैर दर्द कर रहे हैं, लेजिट पैर दर्द कर रहे हैं बहुत. इवन मैंने, रिक्रूटर्स ने खुद बोला, रिक्रूटर्स एज इन एम्प्लॉयर्स, एग्जीबिटर्स खुद बोल रहे थे हमारा मुंह दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है. सो अभी हम जा रहे हैं सबवे. आज एक्चुअली आई वॉज सो बिजी इन लाइक interacting with the employers, having conversation with them, getting their ideas, sharing insights and stuff. Ek minute. Oh, pura sun mere muh pe. Is Mercedes the stadium the? So, abhi photo shoot वगैरह हो गया. Subway से हमने parcel लिया, as usual. और अभी जा रहे हैं Airbnb पे. इधर से लाइक 2.3 माइल्स है, लेकिन फिर भी चलने का आलस आया था क्योंकि दिन भर चल ही रहे, तो इसलिए अभी कैब बुक की है. लिफ्ट और काय मंजे. ओ हाँ, एडवांस एडवांस. ये सभी जा रहे हैं एयरबीएनबी में. बहुत थके हुए हैं, खाना खा के तुरंत सोने का प्लान है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई सोएगा करके, क्योंकि अटलांटा में डाउनटाउन है घूमने जैसा. वो डाउनटाउन घूमेंगे, फिर उसका व्यूज दिखाएंगे तुमको. चलो एयरबीएनबी में जाके दिखा दे एयरबीएनबी कैसे है. और एक्सपो कैसा था गाइस? भाई वो ऊंची रोबोटिक्स, बेस्ट एक्सपो है पता है. एंड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के लिए तो जन्नत थी, जन्नत थी, लेजिट जन्नत थी. सारी कंपनी आई थी भाई. इधर सबर्बन कितने दिख रहे. यो, तो चेक इन कर दिया एयरबीएनबी में और फ्रेश हो गया. अभी सीधा सबवे खाएंगे, पहले चिल करेंगे और बाद में जो भी करना है करेंगे. तो यस, पहले रूम टूर देता हूँ तुमको. चलो रूम टूर गाइस, इट्स रूम टूर टाइम, इट्स रूम टूर टाइम. ये देखो, ये नेबरहुड है. ओके, पूरा नेबरहुड. कैसे क्या साल हो के? और तीन रूम है? चार रूम है. हाँ. ओके, एनीवेज सुबह ऐसे दिन में भूत-भूत आ जाए, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे भूत. श्रेयस देख, मेरे को पर्सनल रूम मिल रहा था तो छोड़ के जा रहा है. श्रेयस तुझे पर्सनल रूम मिल रहा है? ओके, तो ये फायरप्लेस है, ये मेरे ख्याल से हॉल टाइप कुछ तो भी है. यहाँ पे रूम नंबर वन, यहाँ पे कॉमन बाथरूम वगैरह, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे हर्ष सो रहे. मैं अंदर आ रहा था सर, वो उसको निकाल चुके. यहाँ पे किचन है और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसे है. ये ओके, ये रूम. फिर यहाँ पे वॉशरूम है मेन. ये देखो शार डबल कलर, ये यहाँ पे,
यहाँ पे ये काफी अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे ऐसे फुल बैकड्रॉप है, अच्छा बैकड्रॉप बोल रहा हूँ, ये ऐसे लाइटिंग मीटिंग अच्छा है रूम पे, ये हाँ भाई चेंज गया है तेल लेने भाई, ऐसे ही रहते हैं ऐसे ही खाते। ये देखो यहाँ पे और एक रूम है, ये और एक सेपरेट रूम, और फिर यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ पे, क्योंकि आई एम टू लेजी टू ओपन दैट अप। फिर यहाँ पे सब वॉशिंग मशीन ड्रायर वगैरह, और ये बैकयार्ड है, आई डोंट थिंक सो बैकयार्ड इज वेल मेंटेन्ड। क्या भाई उल्टा है यहाँ का, ये बैकयार्ड। अरे भाई स्क्विरल स्क्विरल, ओके एंड बस इतना ही है। अच्छा यार छोटा सा ऐसे क्यूट सा एकदम, ऊपर मेरे को लग रहा है कुछ तो भी अच्छा है ऊपर, तो जाने दो भाई डरा होना है फिर ऊपर। The next day. Alright, another day, another beautiful day in Atlanta, Georgia. हम लोग तैयार हो गए। तो अभी रेडी तो हो गए, बाहर आ गए, ये कैब बुलाई है, रात को घर पे आने के बाद इतना थक गए थे, फुल एग्जॉस्टेड हो गए थे, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, तो अभी तुरंत निकल रहे। ए बुलाओ जल्दी। यस नहीं जगह ही नहीं है उसका, उसने बोला कि उसका सामान है पीछे, तो यस जाएंगे अभी। ऑलराइट ये आज का ऑर्डर फॉर द डे। ए क्या क्या हो गया? अरे सीरियस डिस्कशन चालू है अभी इधर, ब्लॉगर चेंज। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स? शादी हो जाएगी, लड़की ढूंढ रहा हूँ दूसरा। अरे यार ये वीडियो ले रहा है मैं क्या अभी शर्मा गया इसमें। ठीक है ना लड़की ढूंढ रहा है, इसमें गलत क्या है, ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है। तो मैं मेरा मॉडेक्स का वो ये ढूंढ रहा हूँ। अरे पर वो दूसरा देख गया यार, इसलिए डे टू चलो देख लेंगे अंदर। तो आज का प्लान कुछ ऐसे कि आज स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ है, तो मेन मतलब आज इंटरेस्टिंग होगा, और देखते हैं कुछ कुछ ऐसे बूथ्स थे जहाँ पे लिखा था प्राउड स्टूडेंट डे कंट्रीब्यूटर सपोर्टर, ट्राई करेंगे कि उन बूथ्स पे जाने का, नेटवर्किंग करने का, और बस कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाएंगे तुमको। कल तो कुछ शूट ही नहीं कर पाए भाई, कल पूरा देख लिया, पूरा आइडिया आ गया ब्रीफ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाने क्या क्या शूट करना है, तो आज थोड़ा सा एक्साइटेड। पहले तो तुम ये देख लो कितना बड़ा है भाई, एयरपोर्ट की तरह ही है, जितना बड़ा BW एयरपोर्ट है उससे बड़ा तो यही है भाई, पुणे एयरपोर्ट एक तरफ और ये एक तरफ, लेजिट। मतलब ऐसे ये नहीं कर रहा क्योंकि पुणे एयरपोर्ट बगैर लगा था कैसे खेल है, पुणे एयरपोर्ट बगैर लगा कैसे खेल है। मैं वीडियो च्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला देतो लिंक रील ची, काय भारी केलं यार एयरपोर्ट, एक नंबर केलं, मस्त केलं भाई मस्त, अंदर पण इंटरनॅशनल नाही तिकडे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, जाते सीधा। और आज का कैमरामैन गाइस, ये है एग्जिबिट का एक और हॉल। भाई साहब क्या मजा आ गया आज, गजब, इतने सारे लोगों को, CEO को फाउंडर CTO COO कितने सारे लोगों से बात किया, एक नंबर एक्सपीरियंस। और बस अभी ये हो गया, ये यहाँ का एरिया है भाई, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर की लाइक लेजिट। अरे ये लोग शूटर लोग अपनी इधर देखो फोटो खिंचवा रहे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन इट्स एज बिग एज मुंबई एयरपोर्ट, इतने सारे फ्लोर्स, इतने सारे चीज़ें, अंडरग्राउंड हो गए भाई। हाय ब्रो
उधर ऑल राइट पीछे सब्बे दिख रहा है, सब्बे खाया, दबा के खाया और अभी नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है। तो अभी जाएंगे क्वांटी सेंटिनल सेंटिनल मैनुअल किधर है भाई सेंटिनल भाई इधर आधे टाइम तो ये लोग क्या लिखते हैं इनका इनको ही नहीं पढ़ना आता सेंटिनल भाई कार्टून नेटवर्क का ऑफिस देखो कार्टून नेटवर्क और बिल्डिंग देखो भाई फुल ऐसे चाइना में आ गए किधर तो कैसे यस ये लेजिट अंदर अरे इधर हैदराबाद है भाई यस ये एक्चुअली सीएनएन सेंटर है यहाँ पे लाइक नीचे सब कुछ खा रहा है डाइनिंग भी नहीं का है और यहाँ पे लाइक वर्क स्टेशन वगैरह लाइक ऑफिसेस वगैरह सबके लाइक मीटिंग एरिया लाउंज वगैरह वो ग्लोब है ऊपर और इधर फ्लैग्स और यहाँ पे कार्टून नेटवर्क ऑफिस है फॉर सम रीजन मेरे को पता नहीं ये लोग क्या करते और फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे सब कर्टन्स वगैरह दिख रहे तो मे बी ये होटल टाइप होगा कुछ होटल मोटल किसी को ऐसे कुछ रहना होगा ऐसे क्योंकि यहाँ पे नज़दीकी जैसे मैंने बताया कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे और अभी हम एग्जिट कर रहे हैं गाइस व्यू देखो पहले व्यू तो दिखाई दिया तुमको तो अभी इतना थक गए और इतना ऐसे रिलैक्स्ड हो गए उधर बैठ के अभी बस इधर सो रहे हैं मस्त बेगी ये देखो ये मेरा राइट हैंड ये मेरा लेफ्ट हैंड और बस ये उसके दोनों हैंड ऐसे बहुत दिन हो गए ऐसे कभी सो ही नहीं ऐसे खुले आसमान के नीचे तो ऐसे फुल ऐसे ब्रो मैं सो जाऊंगा फ्लाइट में सो जाएगा भाई और फ्लाइट को बहुत टाइम है 9 बजे चेक इन है 9 बजे चेक इन करना है 9:30 बजे का बोर्डिंग है तो आराम से जाएंगे 8:30 बजे इधर से निकलेंगे इधर से ज्यादा टाइम नहीं लगता ना ये अटलांटा का एयरपोर्ट बहुत बिजी रहता है थोड़ा जल्दी जाएंगे 8 बजे 8 बजे पहुंचते हैं 7:30 8 अभी कितना टाइम है 7:30 हम लोग अभी खाना वगैरह खा रहे थे और उसके पीछे हमारा जॉर्जिया वर्ल्ड कांग्रेस सेंटर था जिधर हमारा कन्वेंशन वगैरह था और फिर अभी अगर इधर देखो कि यहाँ पे फेरिस व्हील वगैरह लाइक ऐसे प्रॉपर डाउनटाउन नीचे है जैसे यहाँ पे भी ऐसे छोटे से डाउनटाउन वगैरह है और अगर तुम इधर देखोगे इधर कोको कोला की फैक्ट्री है हाँ और इधर देखोगे तो इधर एक्वेरियम है भाई मस्त एक्वेरियम है $50-55 टिकट है पर पर्सन इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं जाए लेजिट लेकिन मजा आती है अगर जाते तो तो अभी हम आ गए एयरपोर्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में फ्लाइट के बाद हम जाएंगे घर पे टैक्सी बुक करना है कि नहीं करना है वो करेगा पर फेस ऐसा क्यों रखा है ब्रो कुछ हुआ क्या देखो किसी ने छेड़ दिया क्या नहीं अटलांटा मार्टा कुछ बोली गया एक्वेरियम में कुछ हुआ क्या स्टिंगरे स्टिंग लग गया यस तो ओवरऑल काफी स्मूथ एक्सपीरियंस था मजा आया थोड़ा एक मार्टा की राइड भी रही आंटी देख रहे हो ना आंटी अरे आंटी देख रहे हो ना तो यस मजा आया अबे मार्टा यहाँ की मेट्रो का नाम है यार क्या यार तू भी मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूँ मार्टा मेट्रो ट्रेन हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना मार्टा उसमें क्या हुआ बोर्डिंग गेट चेंज तो हम बाल्टीमोर को जा रहे हैं तो हमारा गेट था D3 समथिंग उधर बैठे 10 मिनट 9:21 को हमारा बोर्डिंग चालू होने वाला था अभी तक चालू नहीं हुआ क्योंकि वो D3 पे था और हम उधर बैठे 10 मिनट के बाद पता चला कि बोर्डिंग गेट चेंज हो गया ऑन द स्पॉट फ्लाइट डिले हो गई है 10:55 की फ्लाइट हो गई है तो यस अभी E9 चलो जल्दी E9 है अभी बोर्डिंग गेट तो उस तरफ जा रहे और 10 बजे निकलने वाली थी तो अभी निकल रही है 10:36 को तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा हमको बार बार मैसेज आ रहे 3-4 मैसेज आके गए बोर्डिंग गेट चेंज फ्लाइट डिले ये वो अभी देखो Thank you.
और रिकॉर्डिंग हो रही हो रही ऑल राइट तो बाल्टीमोर में पहुंच गए और लैंडिंग हो गई. इट वाज रियली स्मूथ लैंडिंग गाइस. लैंडिंग के बारे में बताओ यार, हम लोग डिस्कस स्मूथ थी बहुत पता भी नहीं चला लैंड हो गए. हमको लग रहा हवा में, बाद में प्लेन रुकने के बाद पता चल रहा है लैंड हो गए. मैंने कहा हटाओ यार ब्लॉक पे फोकस कर दो. तो यस इतनी स्मूथ लैंडिंग थी कि हमको खुद जाके बताना पड़ा कैप्टन को कि इट वाज रियली स्मूथ लैंडिंग. और पता चला बाद में भाई वो पायलट को 23 साल का एक्सपीरियंस है. हमने पूछा नहीं कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला 23 साल का एक्सपीरियंस है उनको. यस अभी एग्जिट कर लिया, प्लेन से बाहर आ गए, जा रहे सीधा एग्जिट की तरफ. और फिर यस उधर से सीधा घर पे. भूख लगी, गला सूखा हुआ है, पानी के लिए ढूंढ रहे, पानी मिल ही नहीं रहा है इधर. पता नहीं हाँ इधर है, बड़े ले छोटू दो वाटर. ये हमारा छोटू है, अभी दो वाटर.